Hi guys, I hope you all are well and fit at your homes in this pandemic, and we are back with another interesting video or review, we will say. So हमने बहुत बार ऐसा होता है, हम लोग कैंपिंग के लिए वगैरह जाते हैं, राइड को जाते हैं या ट्रैक को जाते हैं. सो ऐसे रिमोट प्लेसेस पे हमें कैंपिंग करने पर खुद पका के खाने में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, जैसे कि मैगी, चाय. और ऐसे रिमोट प्लेसेस पे हमें लकड़ी वगैरह इकट्ठा करके बॉनफायर लगाना पड़ता है खाना पकाने के लिए वगैरह, तो उसमें बहुत टाइम जाता है. तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है. तो हम एक पोर्टेबल स्टोव की बात आज करेंगे, जो हम किधर भी लेके जा सकते हैं और उसका साइज बहुत ही छोटा है. तो मैं आज आपको दिखाऊंगा. तो ये है वो पार्सल जो आया हुआ, इसमें स्टोव है और इसमें चार उसके कैनिस्टर्स यानी सिलेंडर पोर्टेबल. हम अब इसको खोल के आपको दिखाएंगे. तो ये बहुत ही कॉम्पैक्ट है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ पे ही वेट फिट हो रहा है और ज्यादा वेट भी नहीं है इसका, हार्डली 200-250 ग्राम रहेगा. बिफोर यू बाय एनीथिंग, थोड़ा सा थेरी में जाते हैं हम लोग. तो दो बेसिकली दो टाइप के गैस मिलते हैं आपको स्टोव. एक रहता है अपना ब्यूटेन गैस वाला और एक रहता है प्रोपेन गैस वाला. ये दोनों भी अल्केन फैमिली से आते हैं. सो आप कहाँ पे ट्रेकिंग या कैंपिंग करते हो उसके ऊपर ये डिपेंड है. तो जो पहला वाला देखेंगे वो थोड़ा सा चीपर रहता है, ब्यूटेन जिसमें रहता है. तो ब्यूटेन वाला जो है वो आप जहाँ पे ज़्यादा ठंडा नहीं है ऐसी जगह पे आप यूज़ कर सकते हो ब्यूटेन. उसका कैनिस्टर थोड़ा चीप भी आता है और वो थोड़ा क्लीन रहता है. तो आप विद इन 10 नहीं बोल सकता मैं, बट वो गैस बर्निंग के बाद ज़्यादा हार्मफुल नहीं रहता. तो उसका दूसरा केस में जो प्रोपेन वाला सिलेंडर्स आते हैं वो आप थोड़े से कॉस्टली रहते हैं, उसका कनेक्शन भी थोड़ा सा डिफरेंट रहता है. और वो आप जब हिमालय में वगैरह जाते हो तो वहाँ पे आप ब्यूटेन यूज़ नहीं कर सकते, उधर आपको प्रोपेन ही यूज़ करना पड़ेगा. और वो थोड़ा ब्यूटेन से थोड़ा कम क्लीन रहता है बर्न करने के बाद. वो थोड़ा सा कॉस्टली जाएगा और वो इसलिए चल सकता है लो टेम्परेचर में, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा कम है, क्योंकि गैस को जलने के लिए लिक्विड टू गैस में कन्वर्ट होना पड़ता है. तो ब्यूटेन वहाँ पे हो नहीं पाता गैस में, इसलिए वो आग नहीं पकड़ता. तो जब भी हिमालयन के लिए ले रहे हो तो आप गो विथ प्रोपेन. अगर आप सह्याद्री में वगैरह कर रहे हो ट्रेकिंग तो आपको ब्यूटेन भी चल जाएगा और ये सस्ता रहता है. तो ये रहा थ्योरी. तो ये है अपना स्टोव जो कि अपन ने ब्यूटेन के लिए लिया है. और ये उसका बॉक्स है. मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा नीचे या कमेंट में. और इसका अमेजोन पे आप परचेस कर सकते हो. उसके साथ एक कैरिंग केस मिला है और उसका मैनुअल, ये मैनुअल उसका. तो अपन देखेंगे ये कैसे, इसका क्या क्या पार्ट्स है बेसिक. सो ये एक पाम पे बैठ सकता है. कुछ रखने से पहले हम इसको ऐसे एक्सटेंड कर सकते हैं. तो ये रहा ऊपर का पार्ट. सिमिलरली नीचे भी उसके कुछ पैर हैं, वो भी एक्सटेंड कर सकते हैं. वो एक्सटेंड करने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा. ओके इधर ये साइड जो है इधर हम कैनिस्टर लगाने के लिए है. और ये जो है नॉब, ये नॉब से हम एडजस्ट कर सकते हैं उसका फ्लेम कम या ज़्यादा. ये जो स्विच दिख रहा है ये ऑन ऑफ करने के लिए, फ्लेम जलाने के लिए. देख सकते हैं, आपको शायद दिखेगा नहीं बट ये फ्लेम जल रहा है उधर. तो ये रहे इसके पार्ट्स. और ये हंस कंपनी का है कैनिस्टर. ये अपन अभी खोल के देखेंगे और उसको ज्वाइन करेंगे. तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो एरो रहेगा कैनिस्टर पे, इसको हमेशा ऊपर आना चाहिए जला बर्न करते वक्त,
सो हम अभी दिखाएंगे इसको कनेक्ट कैसे करना है। ये इस पे जो कैनिस्टर है उस पे एक स्लॉट रहेगा जो आप देख सकते हो ये, तो वो स्लॉट के अपोजिट वाला साइड पहले स्टोव पे भी दो आपको ऐसे ऊपर आए हुए ये दिखेंगे नॉचेस, ये और ये, तो अपोजिट वाले साइड पे पहले डालना है जो रिंग रहेगा उसका, और फिर दूसरा स्लाइड स्लॉट उसमें डाल के क्लॉकवाइज घुमाना है आपको। तो ये अभी आपका रेडी हो गया है स्टोव। तो आपने कनेक्ट करने पर ये आपको एरो ऊपर दिखेगा और ये कुछ ऐसे दिखेगा। तो ये जो नॉब है आपको क्लॉकवाइज घुमाने पर बंद होगा, तो आपको मेक श्योर करना है जब आप कनेक्ट करोगे तब वो क्लोज रहना चाहिए। थोड़ा सा पानी गिर सकता है तो डरने की बात नहीं है, क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में ही आता है, और कनेक्ट करने के बाद ही उसको ओपन करके बर्न करना है। एंटी क्लॉकवाइज घुमा के जो स्टार्टर था वो दबा सकते हैं, हाँ ये वाला स्टार्टर, तो उसका फ्लेम कम या ज्यादा कर सकते हैं अपन ऐसे। तो पूरा फ्लेम पे ये अप्रोक्सीमेट 2 घंटा चल सकता है, तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, और इतने कम वेट में आपका पूरा एक ट्रिप निकल सकता है। तो एक और एक चीज़ सेफ्टी के लिए बताना चाहता हूँ, आप जब भी इसको ऑन करोगे तो अपना चेहरा इसके सामने मत रखो, दूर थोड़ा सा दूर होके ही उसको ऑन करना है, क्योंकि पहली बार जलाने पे वो एक बड़ा सा फ्लेम बर्स्ट होता है। सो मेक श्योर दैट। अबाउट इट्स प्राइस, तो ये रफली अराउंड 700 में स्टोव मिल जाता है, और एक कैनिस्टर के 4 कैनिस्टर मुझे पड़े अराउंड 700 में, तो अराउंड 1300-1400 में आपका दोनों ये आ जाता है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप बाय कर सकते हो। गाइस ये था हमारा आज का बहुत ही कूल रिव्यू अबाउट दिस पोर्टेबल स्टोव एंड कैनिस्टर। एंड ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके बताना, और अगर ये आपको ये चीज़ पसंद आई तो प्लीज़ गिव थम्स अप, और आपके हर लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है, और ऐसी नई नई चीज़ें ट्रेकिंग के या राइडिंग के बारे में मैं लाता रहूँगा। तो स्टे ट्यून, इसके बारे में कुछ भी डाउट रहेगा तो कमेंट या हमें डायरेक्ट मैसेज कर दो, हम लोग सॉल्व कर देंगे। दूसरा भी कुछ रहेगा तो बता दो। सो स्टे ट्यून, आप हमें यूट्यूब या फेसबुक पे मिल सकते हो। So, we are Audacious Explorers 365. Stay tuned. Peace.